हेलो एवरीवन, सबको नमस्कार। आप सबको फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी और डग मीट की रेसिपी। ये रेसिपी जो है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और टेस्टी है। सो आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मैं ले रही हूँ एक फ्रेश लौकी और मैं गोल वाला लौकी ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और जल्दी पक जाता है। लौकी को किस तरह से कट करना है वो मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। इसका हम पूरा नहीं बनाएंगे, लौकी को आधा बनाएंगे। मैंने इस तरह लौकी को कट की हूँ। अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। हालांकि इसका बीज जो है उसे हम निकाल देंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सख्त है। अगर नरम बीज हो तो उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम छिलका को छील देंगे। और छोटा छोटा पीसेस में हम कट कर लेंगे। इतना बड़ा पीसेस हो तो काफी है। मैंने लौकी को अच्छी तरह से कट कर लिया है, देख सकते हैं आप। मैं ले रही हूँ 250 ग्राम डग मीट और मैंने डग मीट को अच्छी तरह से धो लिया है और लौकी को भी। कढ़ाई मैंने गैस में चढ़ा दिया है। अब मैं ऐड करने जा रही हूँ 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। फ्लेम को मीडियम रखना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम ऐड कर देंगे 2 तेज पत्ता। तेज पत्ता को अच्छी तरह से तेल में हम फ्राई कर लेंगे। फिर ऐड कर देंगे 3 कटा हुआ प्याज और 4 कटा हुआ हरी मिर्च, जितना तीखा पसंद है। अच्छे से चलाएंगे हम प्याज को। प्याज को पकाने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक। नमक ऐड कर देने के बाद अच्छी तरह से चलाना है। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है। जब यह हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब ये रेडी हो जाएगा। अब ऐड कर देंगे हम डग मीट और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। फिर अच्छे से चलाना है। अच्छे से चलाने के बाद गैस का फ्लेम को हम एकदम धीमी रखेंगे और ढक्कन लगा के तकरीबन 3 मिनट के लिए हम मीट को अच्छे से भूनने देंगे। देखिए ये अच्छी तरह से भून गया है, मीट से तेल निकलने लगा है, यानी कि मीट अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब ऐड कर देंगे हम तकरीबन 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, कूटा हुआ धनिया और जीरा। अब बिल्कुल ना पीसे, एकदम बारीक इस तरह से कूट के आप डालें धनिया को और जीरा को। इससे क्या होता है, जो ये डग मीट में और लौकी का सब्जी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लेके आता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। अब अच्छी तरह से चलाना है। अब फिर से ढक्कन लगा के गैस का फ्लेम को धीमी रख के हम 3 मिनट के लिए फिर से भूनने देंगे ताकि मसाले के साथ अच्छे से पक जाए डग मीट। आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक गया है और तेल भी अच्छे से निकल गया है और कलर भी इसका बिल्कुल बदल गया है। अब ऐड कर देंगे हम लौकी। लौकी ऐड कर देने के बाद अच्छी तरह से चलाना है। गैस का फ्लेम को धीमी रख के हम ढक्कन लगा के तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम पकाएंगे। देखिए ये हल्का सा लौकी जो है वो गल गया है, मतलब पूरा गल गया है, और भी गलना बाकी है। फिर से चलाएंगे हम। और ऐड कर देंगे 1 छोटा ग्लास पानी। फिर अच्छे से चलाएंगे।
और फिर से ढक के हम मीडियम आंच पे 3 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। देखिए 3 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से कुक हो गया है, पानी भी कम हो गया है और ये जो लौकी है वो अच्छी तरह से गल गया है। ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं सर्व करने जा रही हूँ लौकी और डक का मीट को। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। ये जो रेसिपी, इसमें कुछ भी ज़्यादा मसाला नहीं पड़ा, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसे बनाने का तरीका भी आसान है। मैंने सर्व कर लिया है डक का मीट को। आप इसे राइस के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सो आप सबको कैसा लगा मेरा ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा और एंड तक बने रहने के लिए आप सबका थैंक यू।